चलिए आज का वीडियो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। दो बच्चे हैं, उसमें से पहला वाला बच्चा जो जिसने सुना है कि अग्नि जलाती है, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, और दूसरे ने अग्नि में हाथ डाल के देखा हुआ है कि इससे जलता है। ठीक है, अब बताइए, दोनों जानते हैं, दोनों ये बोलेंगे कि मैं जानता हूं अग्नि में हाथ डालने से जलते हैं। ठीक है, पर जो पहला वाला बच्चा है उसका एक्सपीरियंस नहीं है जानने का, उसने सिर्फ बातों को सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया। और जो दूसरा बच्चा है वो उस एक्सपीरियंस से गुजरा है, मतलब उसे पता है, वो सही में जानता है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है। पहला वाला बच्चा गलती से भी कभी अग्नि में हाथ डाल सकता है और फिर ये बोलेगा अरे मैं जानता था फिर भी जला। पर जो दूसरा वाला बच्चा है ना, जिसे पता है, जिसे एक्सपीरियंस है कि अग्नि में हाथ डालने से जलते हैं, वह कभी अग्नि में हाथ जानबूझकर नहीं डालेगा। तो यही चीज होती है जानना। जानने का सीधा सीधा अर्थ होता है चीजों को एक्सपीरियंस करना, और यही चीज श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं हमारे अगले श्लोक में। मैं हूं मिली, नमस्कार, और हम भगवद गीता को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ साथ इसी भगवद गीता की जर्नी में शामिल हो सकते हैं। अभी कुल मिला के 35th वीडियो आज मैं बना रही हूं, तो भगवद गीता के आप वीडियोस देख सकते हो, काफी छोटे छोटे वीडियोस होते हैं और काफी अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर लिसनर्स हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो सुना है तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसे मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। आज हम देखते हैं श्लोक नंबर 39। भगवान ने 39 नंबर के श्लोक में क्या कहा है, हम देख रहे हैं सांख्य योग। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान ने ये कहा कि अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य योग समझाया था, अब मैं तुम्हें कर्म योग समझाऊंगा। अब आगे के हम श्लोक देखें, इससे पहले हम ये जान ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सांख्य योग एंड कर्म योग। अगर आगे के आप लोगों ने वीडियो सुने होंगे और नहीं सुने हैं तो आगे के श्लोक अगर आपको पता होंगे, भगवान ने कहा है कि कर्ता को देखो कर्म को नहीं। जस्ट आगे वाले श्लोक में कर्ता को देख लो, कर्मों को मत देखो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको एक समान समझ के सिर्फ तुम कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ ऐसा कर रहे हैं कि तुम जान लो चीजों को। जी हाँ, भगवान ने ये भी कहा है कि तुम आत्मा को जानो। देखो, तुम जिसको मारोगे तुम उसकी आत्मा को कभी नहीं मार पाओगे। हरेक आत्मा शरीर छोड़ती है वस्त्रों की भांति। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे आत्म तत्व को एक्सप्लेन किया है। अब फिर भी अब देख रहे हैं कि अर्जुन टस से मस नहीं हो रहा है, सिर नीचे है, कमर में जरा सी भी अकड़ नहीं आई। ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि जैसे उन्हें कोई चीज समझ ही नहीं आई कि भगवान ने उसे क्या कहा। तभी भगवान ने कहा, मैंने तुझे परम ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग कहते हैं, वो बताया, पर लगता नहीं है कि तुझे ये कुछ समझ में आया, तो चलो अब मैं तुम्हें कर्म योग बताता हूं। ये पता है कैसा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक शराबी था और वो गांव में घूमते घूमते, पहले शराब बहुत पी ली थी, घूमते घूमते अपने घर को पहुंचा और फिर भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई मुझे मेरे घर को पहुंचा दो, कोई मुझे मेरे घर को पहुंचा दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी पत्नी है इंतजार कर रही होगी, कोई तो पहुंचा दो मेरे घर। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, सब पहचानते थे, छोटे गांव में अक्सर आसपास के लोग एक दूसरे को जानते हैं। सबने कहा, अरे तू क्या सोच रहा है, यही तो तेरा घर है, तू यही है, पर वो सुनने को राजी नहीं,
वो कहे नहीं, मुझे मेरे गांव तक पहुंचा दो, मेरे घर तक पहुंचा दो, मेरी माँ मेरी पत्नी तक पहुंचा दो। अब गांव में एक आदमी था जो थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने कहा बैलगाड़ी मंगवा लो। बैलगाड़ी मंगवाई, साथ में उस आदमी को उस बैलगाड़ी में चढ़ा दिया और उसे कहते गए हम तुझे तेरे घर तक इस बैलगाड़ी में ले जाएंगे। अब वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि चलो ये गांव वाले कितने भले आदमी है, मुझे मेरे घर तक पहुंचा देंगे। अब बैलगाड़ी को 4-5 चक्कर लगाए उसी वहीं आगे आंगन में, छोटा सा आंगन था, सोसाइटी के बीच में कहीं आंगन रहा होगा और छोटा सा गांव है, कुछ गलियों में घुमा दिया उसे। उसके बाद घुमाते घुमाते उसे उसी घर के आगे लाके रख दिया और कहा ले ये तेरा घर आ गया। वो आदमी बड़ा खुश हुआ कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हो कि आपने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। सांख्य और कर्म योग में यही अंतर है। सांख्य योग आपको खड़े खड़े चीजों को जानना सिखाता है। अगर बुद्ध, महावीर, स्वयं श्री कृष्ण और श्री राम की बात की जाए तो ये सभी खड़े खड़े उन्होंने आत्म साक्षात्कार पा लिया था। इन्होंने कुछ नहीं किया था, जिसे करने से उन्हें ज्ञान मिलता, जो थी वो सारी क्रियाएं थी। हम कहते हैं बुद्ध ने तप किया, महावीर ने तप किया, पर जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने यही कहा कि हमने कुछ किया नहीं, सारी चीजें हुई अपने आप, चीजों को समझ में ले आए। एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ। जापान में एक राजा था और वहीं राजा के जो राज्य होता है उसके आसपास एक छोटी सी मॉनेस्ट्री थी। मॉनेस्ट्री में काफी सारे भिक्षु कहते हैं बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस करते थे। तो वे राजा जाते हैं, सेंटर में देखते हैं तो बड़ा सुंदर सोने की परतों से मढ़ा हुआ बीच में स्तूप रखा हुआ था और कहीं कोई जो होता है भिक्षु वो नहा रहा होता है, कहीं वो ही खाना खाता है, कहीं कोई बस बैठा है बातें कर रहा है। तो राजा को लगा लाओ इसके जो मेन है उस मेन महंत से पूछते हैं कि कहाँ कहाँ भिक्षु क्या क्या करते हैं, जरा बताइए। अब वो महंत के पास गए राजा और देखा तो आसपास सारी चीजें दिखा दी महंत ने कि यहाँ पर भिक्षु खाना खाते हैं, यहाँ भिक्षु पढ़ते हैं, यहाँ जो भिक्षु है वो नहाते धोते हैं, यहाँ जो भिक्षु अपने कपड़े सुखाते हैं। फिर राजा ने बोला चलो ये तो ठीक है, पर ये जो सेंटर में जो स्तूप है वहां क्या करता है? ये बात उनके जो लीडर वाला जो था ना उसने सुनी ही नहीं, फिर से बता दिया यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ नहाते हैं, यहाँ कपड़े सुखाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। राजा ने कहा आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं पूछ रहा हूं सेंटर में जो स्तूप रखा है वहां पे क्या करते हो? अब वापस जो वो लीडर था वो फिर चुप हो गया, जैसे बहरा ही ना हो गया हो। फिर राजा तो गुस्से में अपने घोड़े पे सवार होने गया और फिर कह दिया मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंट हूं, मैंने पूछा वहां सेंटर में क्या किया जाता है, क्या करते हो तुम लोग सेंटर में जाके? भिक्षु कहता है जो लीडर था वो कि आपका सवाल ही गलत है, हम वहां कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ जाते हैं और बैठ जाते हैं, जो हम होते हैं बस हम वही होते हैं, वहां डूइंग जैसा कुछ नहीं है, हम कुछ करते नहीं है उधर, हम वहां पर बीइंग के फॉर्म में रहते हैं, मतलब जो हम है हम सिर्फ वैसे रहते हैं वहां पर। तो जो सांख्य योग है ना वह योग बीइंग का फॉर्म है, सरेंडर होने का फॉर्म है, आप सरेंडर हो जाते हो, आप जो हो आप वह बने हुए रहते हो। जैसे किसी भजन सुनते वक्त आप पूरे भक्ति में मगन हो जाते हो, जो आप होते हो आप वो बन जाते हो। शायद इस वीडियो को सुनते वक्त भी आपकी यही मनोदशा रहे, आप जो हो आप वही बन जाते हो, और वही जो है ना वही आपका सांख्य योग है, वही आपका आत्म साक्षात्कार है, जिसमें करना कुछ नहीं होता, सिर्फ होता है। और यहां पर कृष्ण ने भी यही समझाया कि अर्जुन मैंने तुझे पीक ऑफ नॉलेज दिया पर लग नहीं रहा कि तू उसे एब्सॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए अब मैं तुझे कर्म योग सिखाता हूं, इसी कर्म योग से निश्चय ही तू अपने कर्मों को काट सकेगा। कर्मों को काटना क्या होता है?
तुम उसमें कर्ता के भाव तक को छोड़ दो, तुम ये भी छोड़ दो कि कौन कर रहा है, बस देखो कि कर्म हो रहा है। जैसे हम अपनी सांसों को देखते हैं कि सांसें आती है और जाती है, बिल्कुल वैसे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।